अस्सलामुअलैकुम। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जी आप कौन सी जनरेशन का एयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब जितने यहाँ पे जो कैकरी खुली हुई है और जो टेक्नीशियन एयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सेवन्थ जनरेशन, टेंथ जनरेशन एयर ट्रांसप्लांट जो है वो अपनी जो है खुद से ही जो उन्होंने कर लिया जो हमारी ये जनरेशन एयर ट्रांसप्लांट की। लेकिन एयर ट्रांसप्लांट की सिर्फ और सिर्फ दो जनरेशन है, एक FUT है जो कि स्ट्रिप वाला है और दूसरा FUE है। FUT का फ़ायदा सिर्फ करने वाले को है जो लोग कर रहे हैं, उसके अलावा किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। FUE जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसी की आगे थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है कि जी आप जो है वो DHA कर रहे हैं या आप जो है फोर्स मेथड से कर रहे हैं। तो जनरेशन वगैरह कोई भी नहीं है इसमें, टिपिकली सिंपल एक FUE ही हेयर ट्रांसप्लांट है, इसके अलावा किसी किस्म का कोई और हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। तो हम जो कर रहे हैं वो जो आम जो हर बंदा FUE कर रहा है हम वो कर रहे हैं। आगे फिर आ जाता है कि आप पंच वगैरह कितना फाइन यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आ जाता है, तो जितना एक्सपीरियंस बंदा होता जाता है उतना फाइन पंच यूज़ करता है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो किसी भी ट्रेन प्लास्टिक सर्जन से करवाएं और जो है टेक्नीशियन से और जो क्वैकरी से और डर्माटोलॉजिस्ट से भी बचें।